हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सूजी से एक खुराक तैयार करूंगी। जिन मदर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पतले हैं, कुछ खाते नहीं हैं, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करवाएं। एक हफ्ते में ही आपके बच्चों का वज़न जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने 3 चम्मच सूजी ली थी और मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। सूजी क्या करती है? सूजी जो है आपके बच्चों के वेट को बढ़ाती है, आपके बच्चों की हाइट को भी बढ़ाती है, क्योंकि सूजी में जो है विटामिन ई भरपूर मिकदार में होता है। सूजी में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। सूजी में विटामिन ई होता है जो आपके बच्चों के बालों को भी मजबूत बनाता है। जिन मदर्स को फिक्र लगी रहती है कि हमारे बच्चों के बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप जो है अपने बच्चों को सूजी देना शुरू कर दें, या आपके बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आप सूजी रोज़ाना अपने बच्चों को खिलाएं। किसी ना किसी तरीके से भी अपने बच्चों को सूजी खिलाएं, ताकि आपके बच्चों की जो है हाइट भी बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, यानी कि याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, तो मैं उन मदर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है अपने बच्चों को सूजी खिलाना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है जो याददाश्त को तेज़ करता है। तो अभी जो है हमारी सूजी का जो कलर है थोड़ा ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैं मिल्क ले रही हूँ दोस्तों, और अब इसके अंदर 1 गिलास मैं मिल्क डालूँगी। आपका बच्चा जो भी दूध पीता हो आप वो इसके अंदर मिला सकते हो। आप लोगों को पता होगा कि मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है, जो बच्चों के दिमाग को भी तेज़ करता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो आप लोग जो है ये रेमेडी बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी पाया जाएगा, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा है। ये आपके बच्चों का वेट भी बढ़ाएगा, आपके बच्चों की याददाश्त को भी तेज़ करेगा, आपके बच्चों के बालों को भी मजबूत बनाएगा। यानी कि इस फूड के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि ये आपके बच्चे को हर तरीके से मजबूत बनाएगा। और ये रेसिपी जो है 5 मिनट में तैयार हो जाती है। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, 5 मिनट में जो है आप लोग ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। साथ में जो है इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो इसके अंदर शहद भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है और अब अच्छी तरीके से इसके मिक्सिंग करूँगी। 5 मिनट बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आप लोग अपनी जो है बच्चों को रोज़ाना खिलाएं, जैसे कि आप लोग है ना सूजी को एक साथ भून के एक बॉटल के अंदर, एक जार के अंदर बंद करके रख दें। अगर आपकी सूजी भुनी हुई होगी तो फौरी तौर पर जल्दी से बन जाएगी। बॉटल में बना के इसको जो है बना के रख लिया करें, और जब भी आपको बनाना हो आसानी के साथ 2-3 चम्मच लें और इसको फ्राई पैन में डालें और मिक्स करें और इसको जल्दी से रेडी कर लें। फौरन रेडी हो जाती है। 5 मिनट से पहले तैयार होने वाली ये रेसिपी है, और इसकी जो ताकत है, इसके अंदर इतनी ताकत है जो आपके बच्चों को मजबूत बनाएगी, आपके बच्चों को ताकतवर बनाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक हमारा आखिरी इन्ग्रीडियंट्स होगा जो मेन होगा, और वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और अभी हमारी ये हमारा फूड तैयार होने वाला है। अब इसको जो है मैं बाउल के अंदर निकाल रही हूँ। इस तरीके से इसको बाउल में निकाल लें आप लोग। और अब जो हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट्स है, ये रोटी ली थी मैंने, और रोटी तकरीबन आधी रोटी मैंने ली है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे मैंने, और अब ये भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। तो उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे जो है कुछ खाते नहीं हैं, या खाना खाने से बहुत ज़्यादा तंग करते हैं पेरेंट्स को अपने, तो आप लोग जो है ये खिलाना शुरू कर दें। आपका बच्चा भरपूर नींद भी लेगा, आपका बच्चों का पेट भी भरा रहेगा, क्योंकि सूजी खाने से जो बच्चे को अगर आप सूजी खिलाएंगे तो 3-4 घंटे तक कुछ भी नहीं मांगेगा, और खाने के बाद ये आराम से 2-3 घंटा आराम से सो जाएगा। तो आप लोग जो है ये रेसिपी अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई करवाएं, क्योंकि इससे आपके बच्चों की याददाश्त भी तेज़ होगी। जिन बच्चों को भूल जाने की आदत होती है, भूलने की आदत होती है, तो वो पेरेंट्स जो है वो ज़रूर अपने बच्चों को ये रेसिपी खिलाएं। इससे बहुत दिमाग तेज़ होता है, आपका बच्चा हेल्दी बनेगा। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।